हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित बिश्नोई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमित द फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में। एम्ब्रोडिल एस सिरप एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है। इस दवाई के एक्टिव इंग्रेडिएंट एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और सालबूटामोल का कम्बिनेशन है, जो कि खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्रोनिक ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज़ हो गया, या फिर आपका सोर थ्रोट हो गया, अस्थमा हो गया, COPD हो गया, बलगम वाली खांसी होगी, ब्रीदिंग डिजीज़ होगी, लंग्स डिसऑर्डर हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई कफ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। एम्ब्रोडिल एस के इंग्रेडिएंट में एम्ब्रोक्सोल और एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, जो कि म्यूकस को थिन करके यानी कि पतला करके उसको जो है ढीला कर देता है, जिससे खांसी में आराम मिल जाता है। और सालबूटामोल एक ब्रोंकोडिलेटर है, जो कि आपकी श्वास के जो मार्ग है, श्वास की जो नली है, उनकी मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। इस सिरप को हमेशा जो है इसकी मेजरिंग जो कैप आती है, इससे ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इसमें मार्क लगा होता है कि 2.5 ml लेना है, 5 ml लेना है या 10 ml लेना है। अगर आप घर के स्पून से लेते हैं तो उसमें आप मेज़र नहीं कर पाएंगे कितना लेना है, डोज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसलिए हमेशा इसी से लेना है। इस सिरप का सेवन करने से पहले बोतल को अच्छी तरीके से हिलाना है और डॉक्टर के बताए अनुसार ही आपको इस सिरप को लेना है। अगर किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो आपको इस सिरप को बंद कर देना है और डॉक्टर से संपर्क करना है, ताकि वो इसके बदले आपको कोई दूसरा जो है वो सिरप दे सके। अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शन हो सकता है, परिणाम जो है गंभीर हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो इसको डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेना है, वैसे इसको नहीं लेना है। एम्ब्रोडिल एस लेने से किसी भी प्रकार के अगर आपको साइड इफ़ेक्ट होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो बच्चों के लिए जो इसकी डोज़ है वो 2 साल से नीचे के अगर बच्चा है तो उसके लिए 2.5 ml इसकी डोज है, और अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 2 से 5 साल के बच्चे हैं, तो 5 ml दिन में 3 बार इसको दिया जाता है, और उससे अबव है तो फिर इसको 10 ml की डोज़ भी दी जाती है। लेकिन ये डोज़ आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही, आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है इसको दिया जाता है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसका, एक तो हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है, और आपका पेल्पिटेशंस को भी ये थोड़ा सा बढ़ा देता है। पेल्पिटेशन मीन्स कि आपके जो दिल की धड़कन है उसको ये बढ़ा देता है। तीसरी चीज़ जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है ट्रीमर्स, यानी कि आपके शरीर में कप कपाहट आना भी इससे हो सकता है, या फिर आपका स्टमक अपसेट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको इस टाइप की कोई चीज़ इससे होती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको ये बताएं कि मुझे इस तरीके की दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर आपको या तो किसी दूसरी ड्रग के ऊपर डालेगा या फिर आपको इसकी डोज़ जो है वो सेट करके बताएगा कि आपको कितना इसको लेना है। ध्यान रखने वाली बातें जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा है ये है कि इसको ड्राई कफ के अंदर हमें इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर किसी का जो है स्टमक अपसेट है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि पेट में अल्सर वगैरह है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर इसको डॉक्टर की सलाह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी को जो दौरे वगैरह पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग नहीं है, तो इसको लेने के बाद ड्राइव कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि ये हार्ट का जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, तो हो सकता है कि ये अल्कोहल के साथ और भी ज़्यादा आपको नुकसान कर दे। बाकी कभी भी किसी भी दवाई का जो है सेल्फ मेडिकेशन आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि खुद से दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारा आपको इस दवाई के बारे में बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि आपको इस दवाई का नॉलेज होना चाहिए। मान लो आपको डायबिटीज़ है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, डॉक्टर आपको के पास समय की कमी होती है तो जिस कारण वो आपसे सारी बातें नहीं बता सकते हैं।
तो इसीलिए हम ये वीडियो हमने बनाया है कि आपको इसकी नॉलेज हो, आपको पता हो, तो आप डॉक्टर को कह सकते हैं जी मुझे डायबिटीज़ है, या मेरा मेरे जो है हार्ट अटैक आया हुआ है, या मेरा बीपी हाई रहता है, तो वो आपको उस हिसाब से उसकी डोज आपको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही था आज का वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी टाइप की वीडियो अगर आप और चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आएं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।